अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग फॉर यू। आज की हमारी वीडियो में हमारे पास मोबाइल है सैमसंग J5 10। इसमें J5 10 और J7 10 में बहुत कॉमन सा मसला है कि जब हम इसके साथ बैटरी लगाते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। मोबाइल ऑन होता है कम्प्लीट, मगर इसमें जो है हमारी फ्लैश लाइट जो है ना वो मुसलसल जलती रहती है, यानी कि बोर्ड हमारा शॉर्ट है। सप्लाई पर भी इसे चेक करेंगे कि सप्लाई पर हमारे पास कितना शॉर्ट है। ये देखिए सप्लाई पे भी हमारे पास ये डायरेक्ट रीडिंग ले रहा है मोबाइल, तो इसे डायरेक्ट रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, बगैर हमारे बटन दबाए डायरेक्ट रीडिंग ले रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसका सलूशन देखेंगे, हमारे पास ये मसला कहां से आता है। तो हमारे पास इस मोबाइल में जो मसला है ये इसके IC की वजह से आता है। चार्जिंग और जो पावर है सामान इसकी, उस IC की वजह से मसला आता है। इसमें IC लगा हुआ है 7703A, इसकी वजह से हमारे पास ये मसला आता है। इस IC को चेंज करके देखते हैं कि हमारा ये मसला हल होगा कि नहीं होगा। ये देखिए हमारे पास इस IC के पास हमें जो है ना शॉर्टेज मिल गई है। देखें बजर पे हमारे पास शॉर्टेज आ रही है, यहाँ पर IC रिमूव करके देखते हैं कि हमारी ये शॉर्टेज यहाँ से क्लियर हुई कि नहीं होती यहाँ से क्लियर। ये देखें यहाँ पर हमारे पास पहले शॉर्टेज आ रही थी इन पॉइंट्स पे, मगर अब हमारे पास यहाँ पर ये शॉर्टेज नहीं आ रही। इट्स मीन कि हमारे IC में प्रॉब्लम था, तो अब IC को रिप्लेस करते हैं एक न्यू IC के साथ। IC को अब एक न्यू IC के साथ रिप्लेस करेंगे। चेक कर लेंगे।
आईसी चेंज कर दी है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो इसमें शॉर्टेज आ रही थी सप्लाई पे डायरेक्ट पावर ले रहा था, वो अब डायरेक्ट पावर ले रहा है नहीं ले रहा, तो पावर सप्लाई पे सबसे पहले से चेक करेंगे, उसके बाद इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा मसला हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखें सप्लाई पे चेक करें, यहाँ पर पहले हमारे पास डायरेक्ट 30 से 35 की पावर ले रहा था, मगर अब हमारे पास ये बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में नहीं है, अभी हमारे पास ओके हो गया। तो इसको ऑन करके देखते हैं बैटरी पे, हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है उसकी हालत में, बैटरी लगाने पे भी फ्लैश लाइट हमारे पास डायरेक्ट ऑन नहीं हो रही। पहले हमारे पास बैटरी लगाने से फ्लैश लाइट डायरेक्ट ऑन हो रही थी, तो मोबाइल हमारा ऑन है। तो वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आगे भी हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे, जिसमें हमारी कोशिश होगी आपके लिए आसान से आसान और सीधे फार्मूले जो मसाइल हैं उनका सलूशन बताया जाए, ना कि हम आपको घुमा के जो दूसरे फार्मूले वीडियोज़ की तरह जो है ना गोल मोल बात करें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें हौसला अफजाई होती रहे, हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आते रहें। तब तक के लिए अल्लाह।